लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आशीष नेहरा 1 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेलने जा रहे हैं। आशीष नेहरा के क्रिकेट करियर की बात करें तो उनका करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। नेहरा कई बार टीम से बाहर हुए, लेकिन उतने ही जोरदार तरीके से उन्होंने हर बार वापसी की। 38 साल के नेहरा का क्रिकेट करियर जितना रोमांचक है, उतनी ही जबरदस्त उनकी शादी की कहानी भी है। एक इंटरव्यू के दौरान आशीष नेहरा ने अपनी शादी को लेकर इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया था। अपनी शादी को लेकर आशीष नेहरा ने कुछ यूं बयां किया। 23 मार्च 2009 को मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान बातें करते करते शादी का प्लान बन गया। मैंने अपने दोस्त से कहा मैं शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो दोस्त ने मुझे डेट पूछी। मैंने कहा 1 अप्रैल को कर लेते हैं। डेट सुनकर उसने कहा तेरे पास 1 साल 7 दिन का टाइम है, तो मैंने कहा भाई इसी 1 अप्रैल को। 1 हफ्ते बाद शादी की बात सुनने के बाद दोस्त शॉक्ड रह गया और कहने लगा हम बर्थडे की बात नहीं कर रहे, शादी की बात कर रहे हैं, शादी की। मैंने भी कहा मैं भी शादी की ही बात कर रहा हूँ। उसी दिन मैंने शादी का प्लान अपनी गर्लफ्रेंड रुष्मा को बताया। तब रुष्मा को लगा मैं नशे में हूँ, लेकिन अगले दिन सुबह को मैंने यही बात उसे बताई। नेहरा के मुताबिक 26 मार्च को रुष्मा अपनी माँ के साथ दिल्ली पहुँच गयी। 28 और 29 तारीख को सब आ गए, 30 को होटल में फंक्शन हुआ और 2 अप्रैल को शादी हो गयी। अपनी वाइफ रुष्मा के बारे में आशीष नेहरा बताते हैं कि उन्हें क्रिकेट की काफी अच्छी नॉलेज है और वो फील्डिंग भी लगा सकती हैं। आशीष के अनुसार वो अपनी वाइफ से क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उन्होंने कौन सी बॉल गलत फेंकी थी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।